बिहार सरकार ने सरकारी विभागों में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम कर्मचारियों को निकालने का फैसले पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सरकार ने पिछले साल जुलाई में यह फैसला लिया था और अब इस फैसले पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने इस काम के लिए दो अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। पहली कमेटी में 3 लोग और दूसरी कमेटी में 4 लोग शामिल हैं। बता दें, गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी समूह का वाले अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समिति में गृह विभाग के सचिव और एक IPS रैंक के विशेष सचिव के अलावा विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा समूह ख ग और अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए दूसरी समिति गठित की गई है। इसके अध्यक्ष गृह विभाग के सचिव हैं। गृह विभाग के सचिव की टीम में उनके अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें उप सचिव शामिल हैं। हर साल 2 बार इस कमेटी की ओर से समीक्षा की जाएगी। समिति की अनुशंसा पर इस साल जून से जबरन सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार की ओर से 50 साल के ऊपर अक्षम कर्मचारियों को हटाने के फैसले में और भी घटक शामिल हैं। सरकार के मुताबिक कर्मचारियों की काम करने की योग्यता के अलावा ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को भी शामिल किया गया है। जून के बाद दिसंबर में दोनों कमेटियां एक बार फिर समीक्षा करेंगी, यानी कि इसका मतलब हुआ 6-6 महीने में समीक्षा होगी। जब बीते साल जुलाई में बिहार सरकार ने इसका फैसला लिया था तो कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर सरकार की काफी आलोचना की थी।